मारने वाला बैच वही है। वही है बैरागी, तुम्हारी फोटो लेकर इंक्वायरी करने वाला। ए, उस बैरागी को मारने के लिए मैंने अपने बाप की कुल्हाड़ी पर धार करवाई है। इसकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गई है, इसका मतलब वही है वो बैरागी। पहले उसे, फिर बाद में इसे भी खत्म कर देंगे। वो खुद मौत के पास भाग कर आ रहे बैरागी। मेरे एक वार से 10 गर्दने कटेंगी, तू डर जाएगा, अपनी आंखें बंद कर ले सत्या। इतने लोग तुझे मारने के लिए ढूंढ रहे हैं, फिर भी तू सही सलामत है। ये देख इनका क्या हाल बनाया मैंने। आज के बाद तेरे ऊपर कोई भी आंख उठाने की कोशिश करेगा तो उसका यही असर करूंगा, परलोक पहुंचा दूंगा उसको। क्या है कि अगर मेरी कोई छोटी सी भी मदद करता है तो मैं उसकी लाइफ सेट कर देता हूं, और तूने मेरी कोई मामूली हेल्प नहीं की है। दोस्त, आज के बाद तू मेरा गॉड है और मैं तेरा बॉडीगार्ड। एक बार तू अपनी जिंदगी की चाबी मुझे दे दे, फिर देख इन जैसे लोगों की जिंदगी पर कैसे ताला मारता हूं। तू स्टेप बाय स्टेप मेरा कमाल देखता जा, ये तेरी रक्षा करेगा बेटा। समझ में नहीं आता मैंने उसके लिए किया क्या है। मुझे बिना बताए तुमने उसकी कोई मदद की? मैं कोई संत नहीं हूँ जो मदद करूँगा, मैं एक गुंडा हूँ। लेकिन उसे देख करके तो ऐसा लगता है कि उसकी कोई बहुत बड़ी वजह है। वो जिससे मिलता है, जिससे उसकी जान पहचान है, और जो भी उसके रिश्तेदार हैं, उन्हें यहाँ लेकर आओ।
इंस्टीट्यूट खोलने के बाद ज्वाइन होने के लिए इतने सारे लोग पहली बार आए हैं। बैरागी भाई ने बुलाया है, चलो। जैकी चैन, शाहरुख खान और मैं कहीं नहीं जाते, उन्हें ही यहाँ लेकर आओ। एक घर घर जाकर के सिखाने वाला मैं कोई सेफ मास्टर नहीं हूँ, स्टंट मास्टर हूँ। ए देखो, समुद्र के पास तुम गए तो मजा आएगा, और वही समुद्र अगर तुम्हारे पास आएगा तो सजा। वैसे भी तुम्हें इस उम्र में मार्शल आर्ट की क्या जरूरत, वार्म अप करने से पहले ही तुम आप हो जाओगे। टेस्ट अच्छा नहीं है। क्या हुआ? तू बैरागी को जानता है ना? बैरागी? मैं तो जानता ही हूँ, उसका नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं, और वो मेरा नाम सुन के डर जाता है। पागल कहेगा, यही है बैरागी ये। अगर ये बैरागी है तो मैं बिल ला दे लूं, समझा? मुझे तुम्हारी बात समझ में आ गई भाई। तेरा ऑफिस बॉय गणेश कहाँ है? अरे बाप रे, तुम्हें भी परेशान किया। एक बात बताओ भाई, सिम जहाँ होता है ऑटोमेटिक नेटवर्क वही पकड़ता है, अगर उसकी लबर को एक छोटी सी भी खरोच आ जाती है तो वो वहाँ जरूर पहुँच जाता है। अभी वो लड़की का दुष्टों से दूर रहा करो। अरे रुको 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 भाई भाई भाई, यही है गणेश की लवर का घर। एक्चुअली वो पहले मुझसे प्यार करती थी, बाद में उसकी लवर बन गई। मतलब जमीन हमने तैयार की और खेती वो कर रहा है। मुझ में क्या कमी है भाई, हमारी जवानी में घुन लगा है। बेजाक सिटी में चोट रखने वाला पहला मर्द हूँ। अरे बाप रे बाप, इस घर में मेरी जाने मन रहती है। उसकी खूबसूरती की जितनी तारीफ करो उतनी कम है। उसकी टांगे केले के तने जैसी है, उसके लिप्स गुलाब के फूलों के जैसे खिले हुए हैं। भाई आप कुछ भी करो, उस गणेश को खत्म कर दो और उस लड़की का हाथ मेरे हाथ में दे दो। भैया वो सच बोल रही है क्या? मैं जिसको लाइन मार रहा हूँ वो सांड की बहन है। मेरी बहन से कोई प्यार करता है ये बात तुम लोगों को पता होते हुए भी मुझसे छुपी रही, इसका जवाब है तुम्हारे पास? चुप हो जा, तू जिसे प्यार करती है उसे भूल जा। बहुत जी लिया, मार डालूंगा उसे। इसने अपने बाप को नहीं छोड़ा तो मेरा क्या हाल करेगा? अरे बाप रे भाई, सॉरी भाई, कसम से मुझे नहीं पता था कि वो आपकी बहन है, कुछ मुझसे गलत निकल गया तो माफ कर दो। क्यों बैरागी, इसे खत्म कर दो क्या? क्या बक रहा है, तुम्हारी बहन मेरी बहन नहीं है क्या? तुम्हारी माँ मेरी माँ नहीं है क्या? तुम्हारी बीवी मेरी बीवी नहीं है क्या? बोलो भाई बोलो। बहुत चालाक है वो, मुझे टारगेट बनाने के लिए उसने मेरी बहन को ट्रैप किया। नहीं छोड़ूंगा मैं उसे।